न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट होना है तो फिजिक्स फॉर यू के साथ बने रहे। तो हाँ, फिजिक्स इज अ गेम, लेट्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हम 6th न्यूमेरिकल पे आ चुके हैं। इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अलग अलग वीडियोस के अंदर 1 to 5 न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी और उससे अलग क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज, हमें पॉजिटिव चार्ज निकालना है। कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। एक छोटा सा कॉपर पेनी, कॉपर का सिक्का है, कॉइन समझ लीजिए, कॉपर का पीस है, कितने ग्राम का, 3.11। उसके अंदर मुझे पॉजिटिव चार्ज पता करना है। 3.11 ग्राम कॉपर पेनी के अंदर मुझे पॉजिटिव चार्ज पता करना है। जब मुझे एटॉमिक चार्ज यानी एटॉमिक नंबर बता दिया कॉपर का कितना, 29, और एटॉमिक मास कॉपर का कितना है, 63.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? वन मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रोज नंबर एंड वन मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। तो हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 कॉपर एटम। 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर इतने कॉपर के एटम है। 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 कॉपर एटम। 1 ग्राम में इतने कॉपर एटम है और मेरे पास कितना कॉपर पेनी है, 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। इसमें कितना होगा, 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 इंटू 3.11 कॉपर एटम। तो मेरे पास जो कॉपर है, मेरे पास 3.11 ग्राम कॉपर है, उसमें कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। अब एक एटम का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 29। एक एटम कॉपर एटम में 29 प्रोटॉन्स हैं। एक एटम में 29 प्रोटॉन है, मेरे पास कितने एटम हैं, इतने। एक एटम में 29 प्रोटॉन, इतने एटम में कितने प्रोटॉन, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10^23 इंटू 3.11 63.5। एक एटम में 29 प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन, इतने एटम्स में कितने, तो इंटू 29, ये मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स है। और मुझे क्या निकालना है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों निकालना है, तो बस लगा दो फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू प्लस एन ई। 6.022 इंटू 10^23 इंटू 3.11 इंटू 29 अपॉन 63.5 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। ये -19 10^23 से कटा और आएगा 10^4। अब आपका काम क्या है, 6.022 को 3.11 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको 29 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसे 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा आसान कर देता हूं, यहां लिखा हुआ है 6.022, आप रफ में जब इसको सॉल्व आउट कर रहे हो, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको 6.022 ना लेके सिंपली 6 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली वही बात है। तो आपका ये चीज आसान होगी, 6.022 की जगह 6 ले लिया,
3.11 की जगह 3.1 ले लीजिए, तो बेसिकली 3.1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 6 थ्री जा 18, 18.6 इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका 18.6 आ गया। 18.6 को आप 29 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसे 1.6 से मल्टीप्लाई करिए और 63.5 से डिवाइड करिए, इंटू 10 इज द पावर 4। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, आपका चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करूंगा तो 2 से 3 मिनट मेरे को इसको सॉल्व आउट करने में लग जाएंगे और आपका मोबाइल का डेटा इसकी वजह से ज़्यादा कंज्यूम होगा। वो फाइनल मैथ्स आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.37 into 10 to the power 5 कूलम। दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत बातें कवर हो जाती है। थैंक यू।